हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है कौन है धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय कम है, दिन बुरे हैं, शैतान भी अपना तीर बहुत जोरों से चला रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। अभी समय है, लौटो परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है। जब आप खुद पाप करके उस अनंत काल की आग में जाना चाहते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। समय है, समय रहते हुए लौटाइए। यीशु ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको उससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लिया मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा सब कुछ है और मैं मरकर नरक में ही चला जाऊं, तो पैसा किस काम का, वो शांति किस काम की, वो ऐश्वर्य किस काम का, जिससे मैं अपनी आत्मा को ना नाश बचा पाऊँ, नाश कर दूँ। इसी तरह निरंतर लगातार पाप करते रहिए और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट नरक में चले जाइए। जब आप नरक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, आपकी आँखें और कान खुल जाएंगी। मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। बाइबल गवाह है इस बात की। सात तुरहियां फूकी जाएंगे, सात कटोरे उंडे ले जाएंगे उस सात वर्ष में। उस समय लोग मौत मांगेंगे फिर भी मौत नहीं आएगी। जो लोग यहाँ बच जाएंगे उनका परमेश्वर जिंदा जलाएगा जिंदा सूरज की किरणों से। प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, चौथा कटोरा उंडा ले जाएगा। तो समय है, समय रहते अपने पापों से मन फिरा लो। कब तक पाप करते रहोगे, कब तक लड़कियों की ताक झांक में लगे रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड सेक्स वीडियो देखते रहोगे, क्या अंत नहीं? कभी तो अंत होगा इन सब पापों का। इसलिए समय है, समय रहते हुए लौटाइए। गिड़गड़ाते हुए परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। समय रहते हुए अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं लौट कर आए तो यही मस्ती आपको नरक में लेकर जाएगी। थोड़ी सी मजा, अनंत काल की सजा दी जाएगी। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, वह विचार करने में, लड़कियों को पटाने में, सेक्स वीडियो देखने में। यीशु ने कहा है, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। अगर आप पापों में, घिनौने कामों में लिप्त हैं तो एक ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। नो, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। जहां पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है और वहां पर सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है, टीलों पे किया, अंधेरों में किया है, झाड़ियों में किया है, यीशु मसीह ने देखा है। अपने पापों को मानो, पश्चाताप करो, वरना यही मस्ती आपको नरक में लेकर चली जाएगी। समय है, समय रहते हुए, रोते हुए, गिड़गड़ाते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लौटाइए। परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, शैतान के लिए नरक बनाया गया था, उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। मगर आज मनुष्य पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या करे। शैतान का न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, क्योंकि शैतान पहले ही परमेश्वर की रचना से प्रसन्न नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आपके हमारे लिए उसने कीमती रक्त बहा दिया है, उसने कोड़े खाए हैं। जरा दो कोड़े खा के देखो, आंखें खुल जाएंगी। उसके दर्द को महसूस करो मेरे प्रिय भाई बहन, महसूस करो। उन्हें 30 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए। हमारे ही आपके शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उसको मेरे प्रिय, उसके दर्द को महसूस करो। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर करना। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।